नगर निगम आयुक्त ने दो सामुदायिक शौचालयों का निरीक्षण सफाई और केयर टेकर नहीं होने पर संचालन एजेंसी को निरस्त करते हैं नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं। दुर्ग नगर पालिका निगम प्रशासन ने स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 को लेकर निगम अधिकारियों को अलर्ट रहने का आदेश जारी किया है। इसी कड़ी में शनिवार की सुबह सफाई व्यवस्था देखने आयुक्त हरीश मंडावी ने निरीक्षण के दौरान दो सामुदायिक शौचालय का निरीक्षण करते हुए सफाई और केयर टेकर नहीं होने पर तत्काल संचालन एजेंसी लक्ष्मी नारायण वेलफेयर सोसाइटी द्वारा वार्ड 54 पोटिया में संचालित शौचालय में केयर टेकर द्वारा साफ सफाई व्यवस्था एवं नल पाइप टूटा हुआ पाया गया। इस पर नाराजगी जताते हुए इसे निरस्त करने का नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने सभी अधिकारियों को निरीक्षण के निर्देश देकर कहा खुद उपयोग कर सके ऐसा साफ सुथरा व्यवस्था की जाने की जरूरत है। उन्होंने मौजूद अधिकारियों को दी गई जिम्मेदारी को फील्ड पर रहकर भी सभी सुलभ शौचालय संधारण करने के बाद वार्ड के पार्षद और संचालन एजेंसी महिला समूह से सत्यापन प्रमाण पत्र जरूर लें। और उन्होंने ये भी कहा कि सभी आपके वार्डों में शौचालय का निरीक्षण कर वहां की खामियों को जांच कर फोटो खींचकर भेजें। गौरतलब है कि स्वच्छता सर्वेक्षण में नंबर वन बनाने इंजीनियरों को दी गई जिम्मेदारी अधिकारी स्वच्छता सर्वेक्षण की गाइडलाइन के अनुरूप काम करेंगे। आयुक्त ने क्षेत्र भ्रमण के दौरान स्वच्छता निरीक्षक को क्षेत्र की साफ सफाई व्यवस्था सुचारू रूप से संपादित किए जाने के निर्देश दिए। साथ ही सड़क पर बेतरतीब फैले हुए झिल्ली प्लास्टिक पन्नी को उठवाने के भी निर्देश दिए। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।